बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। छात्र युवाओं का मनोबल तोड़ने से बाज आए बिहार सरकार। समस्तीपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सिपाही भर्ती प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र लीक होने एवं परीक्षा रद्द करने के विरोध में कार्यकर्ता के द्वारा पूरे शहर में आक्रोश मार्च निकाला गया एवं मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के इस्तीफा की मांग करते हुए ओवरब्रिज चौराहा पहुँचकर पुतला दहन किया गया। मौके पर विभाग सहसंयोजक अनुपम कुमार झा ने कहा कि सिपाही भर्ती प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र लीक होना एक बार फिर वर्तमान बिहार सरकार के मुंह पर तमाचा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की लगातार घटनाएं न केवल सरकार की अकर्मण्यता को उजागर करती है अपितु सरकार की हम नहीं सुधरेंगे वाली मानसिकता को भी साबित करती है। वही अनुपम कुमार ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार के युवा वर्षों से परिश्रम करते हुए अपना खून पसीना बहाते हैं, किंतु इन मौके पर प्रश्न पत्र लीक हो जाना उनके भविष्य पर कुठाराघात ही है। ये प्रवृत्ति इन छात्र युवाओं को संशय और अनिश्चितता के गर्त में धकेलती है। एक तय समय सीमा में अपने परिवार के लिए रोटी की व्यवस्था उनकी मजबूरी होती है। समस्तीपुर नगर इकाई द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पत्र लीक हुआ है और उसको बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा है, इसके विरोध में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया जा रहा है। यह बार बार प्रश्न पत्र लीक होना बिहार सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है और बिहार सरकार की कभी न सुधरने वाली मानसिकता को भी दर्शाता है। आम छात्र, गरीब छात्र जो गाँव में तैयारी करते रहता है और परीक्षा के बाद रिजल्ट आने के कर दी जाती है, इस प्रकार और सामाजिक तत्वों पर शिक्षा माफियाओं पर बिहार सरकार नकेल करने में असफल है। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का पूरा तंत्र फेल है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी इसमें शामिल है उन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए और आगे से ऐसी घटना न हो, इसको लेकर एक स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा बिहार सरकार कैसे आयोजित करेगी, इस पर बल दे। अनुपम कुमार।